कुलकुंडली वै ज्ञातो सदान्यैवदतं वदान्य आविर्वतां पूर्वमदैव तुल्यं नरतत्वदेहवदनं भवतं सदाय। आज के सत्र का प्रारंभ में महर्षि विश्वामित्र के इस श्लोक के साथ विश्वामित्र संहिता के चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक से कर रहा हूं, और इसमें उस ऋषि ने एक आशीर्वचन कहते हुए कहा है कि हम अपने जीवन में जीवन को समझें, हम अपने जीवन में अपने मूल उत्स मूल धारणा मूल जीवन का सहारे को समझें और समझें कि जीवन की पूर्णता कहाँ है। प्रारंभ करें हम इखेत्वोर जेत्वा से और अंत करें ईशावास्योपनिषद से। ऐसा विश्वामित्र कह रहा है कि जीवन जीना और जीवन में जन्म लेना अपने आप में कोई महान घटना नहीं है। महान घटना तो यह है कि जीवन में जन्म लेकर के मनुष्य लोक में जन्म लेकर के अपने आप को एक अद्वितीय युग पुरुष बना दे, महापुरुष बना दे। ऐसा ही जीवन यदि प्राप्त हो सके और ऐसा जीवन केवल कुल कुंडलिनी की साधना के माध्यम से ही हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो क्षण आए कि वह कुल कुंडलिनी का ध्यान पूजन अर्चन चिंतन और मन में उसकी स्थापना करे, जिससे कि उसका जीवन अपने आप में नर नर से पुरुष, पुरुष से पुरुषत्व और पुरुषत्व से पुरुषोत्तम बन सके। मैं आपको ऐसा ही पुरुषोत्तम बनाने का आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप जीवन में पूर्ण हो। इस श्लोक में विश्वामित्र ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नवरात्रि के इन चार दिनों में मैंने आपको पाखंड की ओर नहीं खींचा, मैंने आपको शब्दों के जाल में भी नहीं उलझाया। इन चार दिनों में मैंने आपको केवल सचेत किया है, सावधान किया है। मैंने यह बताया है कि मूल रूप से मंत्र क्या है, मैंने आपको यह बताया है कि देवी क्या है, देवता क्या है, मैंने आपको यह बताया है कि उन तक पहुंचने की क्रिया क्या है, मैंने आपको यह बताया कि आप क्या हैं, कहां पर खड़े हैं। केवल उपदेश नहीं दिया है, उपदेश देना मेरा कर्तव्य और धर्म नहीं है, मार्गदर्शन देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। उपदेश, और उपदेश शब्द बना है उपदंश से, उपदंश का मतलब है डंक मारना, चोट करना। जो दूसरों को डंक मार सकते हैं उपदेश दे सकते हैं, जो कि जिनमें जहर है, जो जहर भरा हुआ है, वे दूसरों को डंक मार सकते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, नरक में चले जाओगे, घोर पापी हो तुम, ऐसा हो तुम, गौदान कर दो, यह एक उपदंश है। इसलिए उपदेश जहां भी हो वहां समझना चाहिए कि यहां डंक मारने की क्रिया है। यहां तो फिर भी इतना अधिक नहीं है, यदि आपने इंग्लैंड का इतिहास पढ़ा हो तो वहां पर वहां के धर्मगुरुओं को पोप कहते हैं और वहां के मंदिरों को चर्च कहते हैं, और आज भी वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को सर्टिफिकेट देते हैं कि मिस्टर कृष्ण लाल सो एंड सो, उसने $300 जमा कराए इसलिए वो स्वर्ग में जा सकता है, वहां पर उसको 3 अप्सराएं मिलेंगी जो उनकी सेवा करेंगी नीचे उसके पोप के साइड। अब भले वो कितना ही पाप करे, चाहे चर्च में जाके गालियां बोले, अब कुछ नहीं, अब तो जाएगा $300 दे दिए, अब कोई चिंता की बात नहीं। और अगर 4 अप्सराओं से मिलना है तो $400 लगेंगे, 5 अप्सराओं से मिलता, आपके पास जितना पैसा है उतना ले जा दीजिए। इतना पाखंड अभी हमारे यहाँ नहीं आया है, उतना पाखंड वहां आ गया है। सर्टिफिकेट मेरे पास भी एक पड़ा है, मैंने $100 दिए थे, मैंने कहा अपन को एक अप्सरा होगी तो चला चलेंगे, अपन को कोई 2-10 जरूरत है नहीं, इतना नहीं पैसा, पर एक इसलिए रखा कि कल शिष्य पूछ लें कि ऐसा नहीं होता तो उनको लाकर सर्टिफिकेट दिखा सके, भाई तुम देख लो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, ये पोप ने साइन करके दिए मुझे। और वहां पर जितने चर्च हैं वे सभी सर्टिफिकेट देते हैं, अगर छोटा चर्च है तो $20-25 में दे देता है, बड़ा चर्च है तो और बड़ा डर। अगर वेटिकन में जाकर के आपको उस पोप से लेना है, वेटिकन तो वहां का सबसे बड़ा धर्म स्थान है यूरोप का और अमेरिका का और इंग्लैंड का, वहां अगर वेटिकन से लेना है तो आपको $4,000 देने पड़ेंगे, मगर वो बीच में स्वर्ग में रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा छलांग लगाई स्वर्ग में पहुंच गए वहां पर। ये वेटिकन से विशेषता ये है, यहां भी हमारा काशी में ऐसी विशेषता है, काशी में मरता है मार्ग में रुकता ही नहीं, सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। और पहले काशी में करवत ली जाती थी, आपने शायद काशी में कभी गए नहीं, दशाश्वमेध घाट के अगर एक तरफ जाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी एक पहले
कटा होती थी करोती, 40 फीट लंबी, और लोग जाते थे और वहां जाकर के उस करोती के नीचे अपनी गर्दन रख देते थे और पंडे उस करोती से उसकी गर्दन को काट लेते थे, क्योंकि उस करोती से करवत लेने से मार्ग में नहीं रुक सकता, सीधा स्वर्ग में चला जाता है। ऐसा कई सालों तक काशी में रहा। और करवत कौन लेते थे? जो बुढ़े माँ बाप हो जाते थे, बेटे उनको ले जाते थे कि अब तुम करवत ले लो, बस खत्म, इसलिए हमारी अटक छोड़ो, अब यूं तो मरे नहीं, पिंड छोड़े नहीं, तो सीधा काशी में जाकर करवत लेवा लेते थे। तो ये उपदेश तो सब जगह चला है कि करवत में, काशी में करवत लेने से चल जाएगा। पोप में भी चला है, जैनों में भी चला है, बौद्धों में भी चला है, हिंदुओं में भी चला है। इसलिए मैंने आपको उपदेश नहीं दिया इन 5 दिनों में, एक दिन भी मैंने यही नहीं कहा कि तुम ऐसा करो ऐसा नहीं करो। मैं कह रहा हूं तुम ये हो, तुम अपने आप को पहचानो, ये तुम्हें बताया, और ये बताना मेरा धर्म था, ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा फर्ज था। और आज भी उस विश्वामित्र की संहिता के उस श्लोक के आपके सामने रखा है। उस श्लोक में कहा है कि जो कोई पैदा होता है वह नर है, क्योंकि पैदा होना तुम्हारे बस की बात नहीं है, पैदा होना अपने आप में कोई घटना नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम पैदा हो या नहीं हो, तुम नहीं रुक सकते थे, पैदा हो गए, एक प्रकृति का एक संकेत था, एक प्रकृति की लीला थी, एक पुरुष और स्त्री का एक संदेह था और तुम पैदा हो गए। यह बहुत बड़ी जीवन की घटना नहीं है। विश्वामित्र कहना यह तो एक मामूली घटना है, पर नरस से पुरुष बनने की क्रिया बहुत कठिन है। इसका मतलब है नर और पुरुष में अंतर है, और नर और पुरुष में अंतर यह है कि नर केवल नाभि से नीचे के अंगों का ही प्रयोग कर सकता है, अपने समान एक और संतान पैदा कर सकता है, 2 संतान पैदा कर सकता है, 10 संतान पैदा कर सकता है, इसलिए नाभि को मध्य में रखा। पूरे मनुष्य शरीर की यात्रा में नाभि एक मध्य स्थल है, और नाभि से नीचे के जहां अंगों का प्रयोग किया जाएगा वहां एक संतति बढ़ेगी, एक ग्रस्त बढ़ेगा, जीवन का एक भौतिक आयाम बढ़ेगा। उसके लिए किसी प्रकार के ट्रेनिंग की, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसी क्रिया करने वाला नर कहलाता है। इसलिए नर तो कोई भी हो सकता है, पशु पक्षी भी नर हो सकते हैं, नर्तत्व तो दे सकते हैं, मगर वो कह रहा है कि मां के गर्भ से जब जन्म लेता है बालक, और मां का गर्भ बहुत अधिक सुरक्षित रहता है, बहुत अधिक सुरक्षित, संसार में इतना आरामदायक जगह उस बालक के लिए कहीं है ही नहीं। चारों तरफ जैसे ड्राइंग रूम में गद्दे तकिया होते हैं, और यहाँ कौन ही लगा कर बैठे हैं, तो बिल्कुल एक गद्दा है, एक इधर है, एक पीठ के पीछे, एक आगे है, कहीं पर भी उसको हिचकोला नहीं खाना पड़े, बहुत आराम से बैठ सके, और जिस सोफे पर बैठा है वो भी बहुत लचीला है, माँ का गर्भ भी उतना ही लचीला और उतना ही आरामदायक है, बहुत आरामदायक है। मगर ज्यों ही बालक बाहर निकलता है, वो उस आरामदायक जगह से बाहर निकलते ही वो उस कठोर धरती को देखता है तो चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां उसको बिल्कुल दूध मिल रहा था, उसको सांस मिल रही थी, उसको गति मिल रही थी, उसको चिंतन मिल रहा था, और माँ जो कुछ क्रिया कर रही थी, जो कुछ बोल रही थी, वह सब कुछ उसको आयाम मिल रहा था। और जो माएं अपने बच्चों को, अपने गर्भ को शिक्षा नहीं दे सकती, वो नर पैदा कर सकती है। नर पैदा करने के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है, विश्वामित्र कह रहे हैं, मगर नर के रूप में जन्म तो लिया जा सकता है, वह तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे हाथ में आयाम नहीं था, मगर नर से पुरुष बनने की क्रिया तुम्हारे हाथ में है। और अगर ऐसा नहीं बने, यहां मैं नर शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से, कोई पुरुष का मतलब नहीं है, नर का मतलब कोई पुरुष नहीं है, नर शब्द और नारी शब्द तो एक ही है, वह स्त्रीवाचक, इसलिए नारी शब्द है, नरतत्व स नर स नारी, जो अपने समान और पैदा कर दे उसको नर कहते हैं या नारी कहते हैं। जहां मैं नर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वह पुरुष के लिए भी कर रहा हूं, स्त्री के लिए भी कर रहा हूं। तो कह रहा है कि नर शब्द के, नर के रूप में जन्म लेने की अपेक्षा यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में पुरुष बनने की क्रिया करें। नहीं कर सकते लोग, पूरी जिंदगी बीत जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाने के बावजूद भी पुरुष बनने की और क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, उसको यह मालूम नहीं नर में और पुरुष में कुछ अंतर है। अगर उनको कहें आप कौन है, मैं पुरुष हूं या मैं नर हूं, मगर विश्वामित्र कह रहे हैं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमारे पुराणों में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना स्पष्ट की गई, भगवान विष्णु सो रहे हैं, विष्णु जो पालन करने वाले हैं, और जो लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है, और उनकी नाभि से एक कमल निकला बाहर, एक कमल नाल निकली, और कमल नाल के ऊपर कमल विकसित हुआ, और उस कमल में एक ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस विष्णु के शरीर के और अंगों में से ब्रह्मा नहीं निकले,
इसका मतलब है कि नाभि के माध्यम से हम एक ब्रह्म की सृष्टि कर सकते हैं, ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। यह प्रतीक है, यह एक चिंतन है। विष्णु की नाभि से निकला या नहीं निकला, वह तो पौराणिक घटना है या ऐतिहासिक घटना है, मैं उस घटना के बारे में नहीं जा रहा हूं। मगर वो संकेत इस बात का है कि अगर हम नाभि को समझ लें, अगर नाभि में से कुछ उत्पत्ति स्थल पैदा कर दें, तो हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, जो कि उस पूरे वेद का प्रारंभ जहां कहते हैं इखे तोर्जे त्वाम वा व्यवस्था देव वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठत माय क्रमण आपिया। जीवन जीवन कुछ नहीं है, जीवन एक मृत्यु की ओर बढ़ने वाली क्रिया है, जहां प्रतिक्षण हम मृत्यु की ओर अग्रसर हैं। उस श्लोक का, उस मंत्र का अर्थ ये है, कुछ विशेष घटना नहीं है, आप चाहें या नहीं चाहें आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगर रुकना भी चाहें तो बीच में रुक नहीं सकते, आप विश्राम लेना चाहें तो विश्राम नहीं ले सकते। मगर उसी 2000 मंत्रों के बाद, उस यजुर्वेद संहिता के प्रारंभ में जा इखेत वोर्जित्वा मंत्र है, पहला मंत्र है, तो अंतिम मंत्र है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और वही ईशावास्य उपनिषद है। उस संहिता का 40वां अध्याय पूर्ण ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद का मतलब है कि हम उस नर से पुरुष बने और पुरुष बनकर के पूर्ण बने, पूर्ण बनकर के ब्रह्म बने। ये बनने की क्रिया, ये पुरुष बनने की क्रिया कैसे, किस प्रकार से संभव है, तब उसमें स्पष्ट रूप से कहा है इसे त्वाम साह सविता सपूर्वा स्वद्वा सुपर्णो स यजाहा। अगर तुम अपने किसी गुरु के माध्यम से, वहां गुरु का प्रयोग किया गया है, द्वा सुपर्ण हो, जिसको दोनों प्रकृतियों का ज्ञान हो, गुरु के बारे में भी उसने चिंतन रखा कि जिसको दोनों प्रकृति का ज्ञान हो, प्रकृति का तुम्हारे नृतत्व का ज्ञान हो, जिसको पुरुषत्व का भी ज्ञान हो, उसको ज्ञान हो कि वह पुरुष बना हुआ हो, अगर वह खुद पुरुष नहीं है, अगर उसने अपनी नाभि को स्पर्श नहीं किया है, उसने नाभि को एहसास नहीं किया है, अपने जीवन में ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है, महापुरुष नहीं बन सका है, अपने आप में पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं बन सका है, तो वह उस नर को भी पुरुष बनाने की क्रिया नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गुरु वैसा हो, उस मंत्र में कहा गया है द्वा सुपर्ण हो, दोनों ही पर्ण उसके पास पूरे हो। अगर वह खुद अपने आप में पूर्ण परमंश तो है और किसी गुफा में जाके बैठ गया, तब भी आपके कोई काम का नहीं। उस गुफा में बैठा हुआ तो बिल्कुल दरवाजे बंद करके बैठ गया है, एक भयभीत, एक कायर, एक बुजदिल की तरह, ऐसा सन्यासी, ऐसा योगी, परमहंस भी हो, हमारे कोई काम का नहीं। ऐसा हिमालय हमारे कोई काम का नहीं है जिसको हम देख नहीं सके, ऐसी गंगा हमारे काम की नहीं जो हमें अवगाह नहीं दे सके, पवित्र नहीं कर सके, उस गंगा से क्या प्रयोजन है, उस गुरु से भी क्या प्रयोजन है जो परमहंस तो हो मगर इतनी दूर बैठा हुआ हम जा ही नहीं सके, मिल भी नहीं सके, जो हमारा कल्याण नहीं कर सके, जो हमें नर से पुरुष की ओर अग्रसर नहीं कर सके। इसलिए उसने कहा ऐसा नहीं, ऐसा जो नर देह और पुरुष देह को दोनों को जानता हो, और जानता हो और तुम्हारे संपर्क में हो। मैं उस पूरे वेदों को छान करके आपके सामने रख रहा हूं, सत्य रख रहा हूं कि वेद में क्या लिखा है, और अगर वेद में लिखा है तो वेद पागल नहीं है। अगर वेद में इस बात कही है तो जरूर तुम्हारे जीवन की एक विशेषता बताई है, और अगर तुम विशेषताओं को नहीं समझो तो ऐसे तो लाखों लोग गरीबी मर जाते हैं, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, तुम भी मर जाओगे। लाखों लोग 4-6 बच्चे पैदा करके मर जाते, तुम भी मर जाओगे। लाखों लोग शमशान में जाकर सो जाते हैं, आप भी सो जाओगे। उसमें कोई उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है कि जीवन में एक क्षण रुक करके उस पुरुष बनने की क्रिया की ओर अग्रसर हो और उस आनंद को ले सके। जब उस आनंद को लिया ही नहीं, यदि आपने गंगा पे गए नहीं तो उसका आनंद तुम ले ही नहीं सकते। अगर हिमालय में तुम गए नहीं, मानसरोवर पे गए नहीं, तो उस मानसरोवर का आनंद है वो तुम उपयोग नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो फिर भारत में जन्म लेना ही तुम्हारा व्यर्थ है, फिर बेकार है। भारत में तुम्हें कोई गुरु नहीं मिला तो फिर भारत में जन्म लेना नहीं लेना तुम्हारे लिए उपलब्धि नहीं है। इसलिए चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक क्षण रुक करके निर्णय करे, ईशावास्य उपनिषद स्पष्ट कह रहा है। विश्वामित्र कह रहा है अगर ऐसा नहीं है, इसलिए उस नाभि के अंतस्थल से, उस नाभि के मूल सत्व से और पूर्णता के साथ आगे बढ़े और पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचे। और ब्रह्म तक पहुंचना क्यों जरूरी है, ब्रह्म तक पहुंचना इसलिए जरूरी है कि हम अपने सातों जीवन को देखने की क्रिया में सफलता पा सकते हैं, सातों जन्मों को, सातों जीवन को। और कल भी मैंने बिल्कुल एक नवीन बात कही थी तुम्हें, प्रामाणिक बात कही थी, पहली बार बात कही थी कि हमारे पास केवल एक देह नहीं है। मैंने कहा था तुम्हारे पास 7 देह हैं, और उन 7 देहों को भेद करके आगे बढ़ने की क्रिया है, ये तुम्हारे जीवन में आवश्यक है। तुम्हें तो एक देह का ज्ञान है, तुम्हारा ये है कि ये हाथ है, ये पांव है, ये नाक है, ये कान है, बस एक देह का ज्ञान है। ये तो भू है जो जमीन पे चल रहा है, भूमन जमीन, इस जमीन पर जो चलने की क्रिया जिसके माध्यम से हो रही है वह भू।
और गायत्री मंत्र का तात्पर्य यह नहीं कि आप 24 घंटे गायत्री मंत्र को जो भूर भुवा स्वात अस्मित वर्ण्य भृगुदेव से, ऐसा कुछ है ही नहीं। उसमें कहा कि इसके मूल सत्व को समझने की जरूरत है, भूर भुवा स्वा क्या मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। इसको चीखने चिल्लाने से और रटने से तो कुछ नहीं होगा। हरिद्वार में एक आश्रम है, वहां अगर आप चले जाएं तो वहां गायत्री मंत्र का व्यापार होता रहता है। व्यापार ऐसा है कि आप गए और आपने कहा गायत्री मंत्र जपने का, तो मुझे तो ज्ञान है नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, तो वहां पंडित बैठे हैं, वो आप 2 रुपए ले लेते हैं और कहते हैं 2000 गायत्री मंत्र जप लेंगे आपके, 5 रुपए से 5000 गायत्री मंत्र जप लेंगे, 10 रुपए से 10000 गायत्री मंत्र जप लेंगे, क्या होगा उससे? तुम्हारे वजह से कोई खाना खा लेगा, कोई ब्राह्मण खाना, उससे तुम्हारा क्या, तुम्हारे पेट में तो कुछ रोटी जाएगी नहीं। और तुम भी अगर 1000 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दोगे तो उससे क्या होगा? उस गायत्री मंत्र के मूल बीजों को, और मूल बीज है भूर भुवा स्व, इतना ही तो बीज है, आगे तो सविता मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये तो उसकी इन मंत्रों की व्याख्या है, इन बीजों की व्याख्या है, मंत्र तो नहीं है वो। ये तो खैर फिर कभी कोई प्रवचन का अंश आएगा तो मैं समझाऊंगा कि गायत्री मंत्र का तत्सवितुर्वरेण्यं क्या मतलब है। मैं भूर भुवस्व का कल मैं समझा रहा था कि उन सातों शरीरों में अंदर प्रवेश करने की क्रिया, जहां भूलोक है, भूलोक है, स्वलोक है, महालोक है, जनलोक है, तपलोक है और सत्यलोक है। लोक का मतलब है देह। उन देहों तक जहां पहुंचे तब हम नाभि के अंतस्थल तक पहुंच पाएंगे, जहां द्वास उपर्ण हो, जहां पर मूल उत्स है, जहां पर सही अर्थों में नर से पुरुषत्व बनने की क्रिया है। इसलिए नाभि से ऊपर जब आदमी पहुंचता है श्वास लेता हुआ, तब आदमी एक ऊंचाई पर पहुंचता है सहस्रार तक, जिसको ऊंचाई पर पहुंचने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण की क्रिया कहते हैं, नीचे पहुंचने की क्रिया को ग्रस्त कहते हैं। ये दोनों में मूलभूत अंतर है। एक आदमी ग्रस्त होता हुआ भी कुंडलिनी जागरण कर सकता है, और वो ज्यादा कर सकता है, सन्यासी तो कर ही नहीं सकता। सन्यासी भक्ति बात यह नहीं है कि सन्यासी तो अपने आप में एक रूढ़ है, एक जड़बद्ध हो गया है। सन्यासी में सरसता नहीं है, उसमें मधुरता नहीं है, और जिसमें सरसता मधुरता नहीं है वैसे सूखे पेड़ के नीचे सहारा नहीं मिल सकता। पेड़ तो हरा भरा होना चाहिए, झूमता हुआ चाहिए, नीचे लहराना हो चाहिए। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जिसके नीचे बैठने से एक शांति मिले, एक आनंद मिले, एक अवगाहन मिले, ऐसी चीज होनी चाहिए। बिल्कुल सूखा ठूंठ जिसके नीचे बैठ ही नहीं सके, और बहुत चंदन का भी वो ठूंठ हो तभी छाया नहीं दे सकता, उस छाया से लाभ हो भी नहीं सकता। इसलिए अगर गुरु है, द्वास उपर्णा है, अगर वह इस जीवन को समझता है तो तुम्हें उस कुंडलिनी के बारे में पहुंचाए और तुम्हारे सारे जीवन की यात्रा को समझाए और तुम्हें उस नर से पुरुष की ओर अग्रसर करे और लफा जीवन नहीं करे। और लफा जी उसमें विश्वामित्र ने कहा है, शब्दों को किसी प्रकार से ऐसा नहीं करे कि शिष्य को समझ में नहीं आए। और यदि आप कहीं जाएं तो किसी घाट पे चले जाएं और आप कहें कि महाराज मैं तो कुछ जानता नहीं, आप कुछ कुंडलिनी जागरण की करने की क्रिया, बच्चे तुम नहीं समझते, ये चीजें तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, पहले 4 महीने आश्रम में रहो, सेवा करो, फिर हम सोचेंगे। महाराज को खुद को ज्ञान है ही नहीं। जब महाराज को खुद को ज्ञान नहीं तो तुम्हें कुछ ज्ञान दे ही नहीं सकते। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, जो गुरु अंधा है जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध। गुरु अंधा है तो चेला तो पक्का अंधा होगा गारंटी के साथ, उसको थोड़ा धुंधला था गुरु तो फिर भी थोड़ा बहुत रोशनी होगी, वो तो पक्का। और अंधे अंधे को ठेल करके दोनों कुएं में गिरेंगे, वहां तो ऐसा ही होता है, वैसा कुछ नहीं। शब्दों के जाल से तुम्हें उलझा है तो समझ लेना चाहिए ये गुरु नहीं हो सकता, ये कोई लफा जी है। जो तुम्हें कहे कि बच्चे कुछ नहीं, माया ये ब्रह्म ये चिंतन ये ऊपर अंतरिक्ष ये विचरण और जीव, महाराज ये तो सब सही है कुंडली तुम्हें बस की बात नहीं, ये लफा जी। एक ठाकुर साहब थे, उसने एक नौकर रखा। ठाकुर साहब की पहले बड़े बाल बाल थे और ऊपर पगड़ी बांधते थे, और आपने देखा होगा उन ठाकुरों को तुर्रा लगाते थे ऊपर अलग, अब तो नहीं लगाते हैं, मगर पगड़ी बांधते थे, पगड़ी के ऊपर एक तुर्रा लगाते थे, जैसे शादी में तो लगाते हैं वैसा कलंगी लगाते थे। नौकर थोड़ा मुंह फटता तो उसने कहा कि ठाकुर साहब भूको पी लो या उक्का पी लो। उसने कहा तू मूर्ख साला गधा है, तू नहीं समझता, हम ठाकुर हैं, हम रैयत के ऊपर हैं, ये रैयत हमारी है, ये सब प्रजा है हमारी, इसलिए हमसे बात करो सभ्यता से बात करो, तरीके से बात करो, सिस्टम से बात करो, शालीनता से बात करो, तो सीख। जो भी बात करो
एक नजाकत से, एक तरीके से, एक सिस्टम से। मैं ठाकुर हूं, तुम मुझे बात करने के लिए ऐसे हुका पी लो, ऐसा नहीं। आप जो आज्ञा देंगे, मैं तो नौकर हूं, मुझे तो वही पालन करना है। एक दिन ठाकुर साहब बैठे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, और वो एक चिंगारी उछली, क्योंकि हुक्का आपने देखा होगा तो नीचे पानी भरा होता है, ऊपर एक चिलम होती है जिसके अंदर अंगारे होते हैं, उसके ऊपर तंबाकू होती है, और वो हुक्का गुड़गुड़ा थी, वो चिंगारी उछली और उस पगड़ी के ऊपर गिर गई। ठाकुर साहब नौकर ने देखा कि पगड़ी जलने लगी है, वो सामने आके बैठ गए। सर हिंदे हिंद ताजे महान, अवगाहे वाक दिनवाहे सारीन, सालीन सालीन दिनाए हिंद जमाने इस्लाम अर्खुल मुखफाल पूर्वाह साल, आप हिंदो शान हिंदिनवाद, आपके सरफास सरफास इंदवास उस पार पूर, आप सोलाए सबनम उछलान फार। जितने पगड़ी जल गई वो केस भी जल गया। उसने कहा बड़ी शालीनता से बात करनी, आईनस ध्यान रखना, शालीनता से विचार बात कर रहा था कि आप सरविंदे हिंद वो अवगाहे आत इलाहे पास, विचार ने बहुत शालीनता से बात की जब तक सारा केस इमेज सब जुलूस गए। और जहां पर भी इस प्रकार की लफाजी की बातें हों, सिस्टम से और सभ्यता से बातें हों, वहां समझ लीजिए कि यहां कुछ ज्ञान नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। इसलिए मैं सीधे साधे शब्दों में अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूं। और ये सातों लोग जो मैंने आपको सातों समझाए, ये सातों लोग ऐसा नहीं है कि ऊपर ये शरीर, इसके नीचे एक और शरीर, नीचे एक और शरीर, ऐसा तुम्हारे मन में कल भी अगर मैंने कहा होगा तुम्हारे मन में ये कंसेप्ट गलत होगा, ये कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है कि शरीर ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर अग्रसर होने की क्रिया को शरीर कहते हैं, और इसका बेस जिसको मूलाधार कहा गया है, वो मूलाधार है नाभि से चार उंगल नीचे के स्थान पर, पूर्ण मूलाधार है जहां पर एक कुंड बना हुआ है। और यदि आप कभी पूरे शरीर को एक एक्सरे से फोटो खींचें, और एक्सरे में दुर्भाग्य ये एक हड्डियों के फोटो के अलावा कुछ आता नहीं, केवल हड्डियां आती हैं, नाड़ियां नहीं आती हैं। और यदि कभी विज्ञान वहां तक जाए, या तो आप विज्ञान के माध्यम से समझें, या आंख बंद करके जहां मैं तुम्हें उतारूं वहां जाके देखें, तो उस कुंड में जो अमृत भरा हुआ है, इसलिए इसका स्थान कुंड या कुंडलिनी स्थान पड़ा है। कुंडलिनी का मतलब कोई नहीं सांप है और लोगों ने बड़ा है इसका कुंड, सांप है अंदर उठती है और अंदर उठ करके डसती है और डस करके आदमी को घायल कर देती है और फिर पागल हो जाता है। ये तो उनको किसी और ने डसा होगा और यूं ही बेचारे ने दूसरे का नाम ले लिया है, डसना फसना कुछ नहीं है, यह तो कुंड है। और यदि आपने राम रावण का युद्ध को देखा होगा, तो जब रावण मर ही नहीं रहा था, राम तीर पे तीर बरसाए जा रहे थे, बड़े व्याकुल बहुत घबरा गए, लक्ष्मण को देखा, अपनी तरफ देखा, फिर हनुमान की तरफ देखा कि ये तो रावण मर ही नहीं सकता। तो विभीषण ने धीमे से कहा कि ये रावण नहीं मर सकता, आप इसके नाभि के चार उंगल नीचे जो अमृत कुंड है उस पर अग्निबाण चलाइए, जो कुंड सूखेगा तो ये मरेगा, इससे पहले नहीं मर सकता। और मैं भी तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे पास कुंड है, और यदि तुम उस कुंड का तुम्हें ज्ञान हो जाए, कुंड तुम्हारा चैतन्य हो जाए, तो तुम्हें मर नहीं सकता, केवल कोई अग्निबाण चला करके तुम्हें मार सकता है, मृत्यु तुम्हें नहीं मार सकती, ये गारंटी की बात है। एहसास तो होना चाहिए कि वो कुंड हो, और एहसास ये होना चाहिए कुंड जागृत हो, चैतन्य हो, बंद है। पूरे हमारे शरीर के सारे अवयव, वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि हमारा पूरे शरीर का केवल 5% अंग काम करते हैं, 95% अंग तो काम ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए काम नहीं कर रहे हैं, उन अंगों का हमने प्रयोग करना ही बंद कर दिया, हमने प्रयोग नहीं किया, हम प्रयोग नहीं करते इसलिए अंग काम नहीं करते। यदि आप कभी देखें हठियो करें, ऐसा हाथ रखें और 2 साल तक ऐसा हाथ रखें, तो उसके बाद हाथ नीचा भी लाना चाहे तो नहीं ला सकते, हाथ अकड़ कर ठूंठ हो जाएगा, फिर हाथ नीचे नहीं आएगा। यदि आप इंग्लैंड में और अमेरिका में उन लोगों को जो हमारे हिंदू हैं उनको देखें, और उनको कहें नीचे पालथी मार के बैठे, तो पालथी नहीं मार सकते। वहां मैंने इंग्लैंड में लंदन में दीक्षा दी तो सब टांगे छोड़ी करके बैठे रहे और दीक्षा देते, और क्या था टांगे इकट्ठी हुई नहीं, अभी पालथी मारो गुरु जी कुर्सी पर तो बैठे हैं जिंदगी भर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नहीं पहुंचे, टांगे छोड़ी करके बैठ जाओगे, हमें तो कुंडी आपको दीक्षा देनी है, मुझे कोई रखा नहीं, बस वो यहाँ बैठे ही रहे। हमने कहा मतलब ये पक्के शिष्य हैं, अजीब शिष्य हैं, अब इनका फोटो ला के उनको दिखाएं इंडिया में, तो कहने गुरु जी ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा कैसे, और कोई ऐसे टांगे कोई ऐसी टांगे, बट पुरुष भी औरतें भी अकड़ जाते हैं शरीर से, उनके ज्ञान चेतना तंतु खत्म हो जाते हैं, जिन शरीरों का उनके घुटनों का प्रयोग किया ही नहीं, कुर्सी पर बैठे घुटने ऐसे ही रहते हैं,
खड़े होते हैं, घुटने खड़े होते हैं, फिर उन घुटने इससे आगे मुड़ने की जरूरत पड़ी नहीं इनको जिंदगी में, इसलिए पालथी मार के नहीं बैठ सकते जैसे आप बैठते हैं। और जिन अंगों का आपने प्रयोग नहीं किया वे अंग अपने आप में निष्क्रिय हो गए। आप चाहे हमारे गणपति हमारे देवता, वो तो अपने कानों को हिला सकते हैं, आप कोशिश करके अपने कान को नहीं हिला सकते। अरे हमारे देवता हिला सकते हैं, तुम क्यों नहीं हिला सकते? इसलिए कि हमने कान को हिलाना ही बंद कर दिया जिंदगी में, हमें जरूरत पड़ी नहीं। मक्खी अगर उड़ती है तो हाथ से उड़ा देते हैं, बस खत्म। इसलिए हमें जरूरत पड़ी नहीं, जरूरत पड़ी नहीं तो कान जो है जो कहते हैं रह गए। इसका मतलब है कि वो रूढ़ हो गए, बद्ध हो गए, उन कानों को हिलने की क्रिया समाप्त हो गई। और इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, और जिसको मस्तिष्क में ज्ञान चेतना प्रवाह का है, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, तीन नाड़ियां पूरे शरीर में, तीन नाड़ियां हैं, इड़ा है, पिंगला है और सुषुम्ना है। और सुषुम्ना नाड़ी प्रत्येक व्यक्ति के दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र में तो है ही, गारंटी के साथ है, और किसी जगह उसका पता चले या नहीं चले। अगर पहले के वैद्य होते थे तो नाड़ी देखते थे और नाड़ी देख करके सब कुछ बता देते कि तुम्हें ये बीमारी है ये नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ की नाड़ी पूरे शरीर को संचालित करती है। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो एक निर्भयानंद मेरे शिष्य थे, को हरियाणा के थे, और वो और उनको कोई लठ मार आदमी था, और तो कुछ आता नहीं उसको, गायत्री मंत्र वंत्र उसने जिंदगी में सीखा नहीं, बस शरीर का मजबूत था उनका। गुरुजी आप चिंता मत करिए, 8-10 भी होंगे तो मैं अकेले जूझ लूँ, आप घबराइए मत। और कभी कहीं से जाके चाकू लेके आवे घिस घिसा करके तैयार, गुरुजी आप देख लीजिए। अरे मैंने कहा सारा तुमको तो मुझे मार देगा कभी, तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, किस्म तुम्हारी खोपड़ी घूम जाए और तुम चलो गुरुजी आज तुम्हारा हिसाब किताब करते हैं। लेकिन निर्भयानंद ऐसा नहीं चलेगा, उनका गुरुजी आप प्रणाम करो, मैं बैठा हूँ सारा आँख निकाल दूँ। और मैंने कहा आँख निकालने की जरूरत ही नहीं है, अब मैं निकालना है तो मैं निकाल दूंगा, बस वो एक ही बात, मैं और तो लोगों से भयभीत होता नहीं होता, निर्भयानंद से जरूर भयभीत रहता। सोता तो मैंने कहा तू कुटिया के बाहर सो, मैं अंदर सोऊंगा, या तू नहीं कुछ जहाँ आप माँ में, मैं कहा तू कुटिया में रह, मैं बाहर जाके सोता हूँ और क्या करूँ तुम्हारा। सातों चक्रों को मूलाधार से लगा करके सहसार तक के उन सातों चक्रों को सात द्वार कहे गए हैं, या ये कहा गया है कि ये सातों चक्र अपने आप में सात देह है। जो मैंने कल देह के बारे में बताया, भूदेह और भूदेह भूदेह स्व महाजना तप सत्यम, इन सारे देहों को पार करने की क्रिया उस कुंडलिनी उस नाभि के नीचे अंतस्थल से प्रारंभ होकर सहस्रार तक पहुंचने की क्रिया है, इसलिए ये उल्टी यात्रा है। गीता में आपने देखा हो तो गीता में 11वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है ऊर्ध मूल मध शाख मस्वत्थम प्राहुर्व्ययम्। समझे नहीं लोग, ऊर्ध मूल जो तना है वो तो जमीन के अंदर है, अधा शाख और शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, जड़ें ऊपर हैं तना नीचे है। उनका ये कृष्ण कैसे कह दिया, जड़ें तो जमीन में होती हैं तना ऊपर होता है, ये कृष्ण ने बिल्कुल ऐसी उल्टी बात कैसे की, अधा मूल है और ऊर्ध्वपाद है ये बिल्कुल। मगर कृष्ण बिल्कुल कुंडलिनी के बारे में समझा रहे थे अर्जुन को, अर्जुन अगर तू मुझे समझना चाहता है और जिस क्षण मुझमें पुरुषत्व को जिसमें पुरुषोत्तम को मेरी 16 कलाओं को तुम देखना चाहते हो, जिस क्षण तुम ये जानना चाहते हो तुम्हें जो भ्रम है तुम्हें जो संदेह है, तुम जो मुझे सारथी समझ रहे हो, तुम मुझे जो अपना मित्र समझ रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ, तुम्हारा सारथ नहीं हूँ, तुम्हारा घोड़े चलाने वाला नहीं हूँ, मैं अपने आप में पूर्ण 16 कला पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, ईश्वर हूँ, ईश्वर का अंशत्व हूँ, मगर तुम्हें समझने के लिए अधः मूल मध शाखा मस्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदांश यस्य प्रणानी रक्तम वासी पुरुषा। अगर तुम इसको नीचे से लगा करके ऊपर तक की यात्रा जो मैं तुम्हें करवाना चाहता हूँ करोगे तो मैं विराट रूप को देख पाओगे, इससे पहले तुम विराट रूप नहीं देख सकते। और मैं भी तुम्हें वही बात कह रहा हूँ, यह ऊपर से नीचे उतरने की क्रिया नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेता है तो अपने आप में उल्टे शरीर से जन्म लेता है, पहले उसका सिर जन्म लेता है फिर उसके पाँव जन्म लेते हैं, यदि कोई पाँव से जन्म ले ले तो अपने आप अपशकुन माना जाता है, क्योंकि सारी क्रिया ही नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है, उस नाभि से और नाभि के अंतस्थल से मूलाधार से ऊपर उठने की क्रिया है। और इसलिए विश्वामित्र कह रहे हैं कि उस कुंड को वह शिष्य जागृत नहीं कर सकता, शिष्य में वह चेतना नहीं है, शिष्य में प्राण तो नहीं है, गुरु स्वयं जागृत करे, वह गुरु जिसको इन दोनों चीजों का ज्ञान हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, जो पुरुष हो, जो अपने आप में पुरुषोत्तम हो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते, प्रत्येक गुरु में यह क्षमता नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होती, इसलिए कि वह क्रिया तो बता सकता है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि चलो तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूं,
और मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ कागज पर कि तुम ऐसा करना कि पहले तालाब के किनारे जाना और फिर लंगोट लगा देना, कपड़े उतार देना और पानी में छलांग लगा देना और हाथों पैरों को उठाना और तुम तैरना सीख लोगे। और मेरे कहने के अनुसार अगर तुमने किया तो जरूर डूब जाओगे, क्योंकि तैरने की क्रिया के लिए यह जरूरी है कि मैं पानी में आपके साथ खड़ा रहूं। अगर खड़ा नहीं रहूंगा तो 500 वर्षों तक भी आप तैरना नहीं सीख सकते। आप तैरना तभी सीख सकते हैं, शर्त उसकी ये पहली और अंतिम शर्त यही है कि मैं आपके साथ हूं, तैराक आपके साथ हो। अगर नहीं है, किनारे पर खड़ा है तैराक और अगर आपको धक्का दे देता है तालाब में, तो आप डूब जाएंगे और डूब जाने की क्रिया अपने आप में बहुत दुर्घटना है। पानी में अगर उसको उतारना है तो तैराक को भी पानी में उतरना ही पड़ेगा, और ये तुम्हारी कुंडली जागृत करनी है तो गुरु को फिर तुम्हारे साथ उतरना ही पड़ेगा। जो गुरु केवल उपदेश दे सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, जो ये कह सकते हैं कि चिंता मत करो, उस कुंडली को जागृत करो और पहले ओंकार मंत्र का जाप करो, ओंकार मंत्र का जाप करो, उनका खुद की कुंडली जागृत नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनमें चेतना नहीं, उनमें प्राण तत्व नहीं है, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है। इसलिए नर तो है, पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम नहीं है, दिव्य देह नहीं है, देवता नहीं है, प्राणांश नहीं है। और इसीलिए गुरु स्वयं अपनी तेजस्विता के माध्यम से उस श्लोक में साफ स्पष्ट विश्वामित्र ने कहा कि पहली शर्त गुरु की यही है कि अगर वो गुरु बनना चाहता है तो वह खुद शिष्य के पास उतरे, उस मूलाधार तक। कैसे उतरे? मूलाधार तक उतरे अपनी शक्ति के माध्यम से, क्योंकि तुम्हारे मूलाधार तक पहुंचने की क्रिया तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम्हारा शरीर और शरीर के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें शरीर से जाकर के फिर ऊपर की ओर बढ़ने की जो क्रिया है वह केवल उस शक्ति के माध्यम से ही हो सकती है जो शक्ति गुरु के पास है, जो शक्ति मेरे पास है। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे जेब में 5 रुपए भी नहीं है, 5 पैसे भी नहीं है और गुरु के पास 100 रुपए हैं, तो वो जेब से निकाल करके तुम्हारी जेब में 100 रुपए डाले। अगर तुम्हें कहे कि ऐसे चिंता मत करना, 10 का नोट ऐसा होता है, 20 का नोट ऐसा होता है, ये 100 का नोट होता है, तुम जेब में रख देना, तुम नहीं रख सकते। और उन मंत्रों के माध्यम से, उस प्रयोग के माध्यम से, उन वस्तुओं के माध्यम से, उस पूरी विधि के माध्यम से, या तो आप बैठ करके 6 साल 7 साल मेरे साथ अभ्यास प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, कुंडलिनी करें, धीरे धीरे आप मूलाधार जागृत करें, चैतन्य करें, फिर आज्ञा चक्र चैतन्य करें, फिर सहसा चैतन्य करें, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको प्राणायाम से शुरू करूं, मैं आपको पहले पूरक सिखाऊं, फिर रेचक सिखाऊं, फिर कुंभक सिखाऊं, फिर ये समझाऊं कि सांस को अंदर लेने की क्रिया पूरक है और उसको रोकने की क्रिया कुंभक है। जोर से सांस ली, रोकी और रेचक किया, फिर बाहर निकाला, फिर जोरों सांस ली, तो धीरे धीरे। और सांस लेने की क्रिया क्यों? इसलिए कि तुम्हारे नाभि स्थल तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास और कोई शक्ति नहीं है, उस वायु वेग के माध्यम से ही तुम पहुंच सकते हो, वायु के फोर्स से। और यदि तुम सांस लेते हो तो सांस बहुत, तुम सांस लेने की क्रिया तुम्हें ज्ञात ही नहीं है, तुम सांस नहीं ले रहे हो, तुम जिंदा ही नहीं हो, मुर्दा हो। और मुर्दा इसलिए कि तुम्हें सांस लेने की जब कला ज्ञात नहीं है तो सांस तुम ले नहीं सकते। अगर सांस लेने की क्रिया तुम्हें कभी देखनी हो तो तुम देख सकते हो, केवल 2 महीने के बच्चे को तुम देखिए, जहां 2-3 महीने का बच्चा हो, वो लेटा हुआ हो, नींद में हो, तब आप देखिए वो सांस लेता है तो पूरी नाभि उसकी धड़कती है, सांस लेता रहता है, नाभि धड़कती रहती है। इसका मतलब है उसका नाक का संबंध, सांस का संबंध सीधा नाभि से है और शरीर के ठेठ भाग से लगाकर सांस की क्रिया पहुंचती है। और अगर तुम सांस लो तो आगे तुम्हारा इतना पेट फूल गया है कि सांस आगे नाभि क्या धड़केगी, तुम्हारे 500 साल तक हिलेगी नहीं। वो पेट तो हिल सकता है जोर से, पेटों को तो हिला सकते हो, नाभि नहीं हिल सकती। इसका मतलब है गले से नाभि तक तुम्हारे इतनी अधिक चर्बी, इतना अधिक मैल, इतनी अधिक मज्जा, इतना अधिक थूक, इतनी अधिक लार जम गई है कि उस फोर्स को तुम नाभि तक नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारे लिए संभव नहीं है। फिर भी शास्त्र कह रहे हैं कि बार बार उस सांस को लेने की क्रिया करनी चाहिए, प्राणायाम क्रिया करनी चाहिए। उस प्राणायाम के माध्यम से 2 साल 3 साल बाद जिस दिन तुम नींद लो और तुम्हारा नाभि धड़के, तो समझना चाहिए सांस लेने की क्रिया तुम में आई। और जिस दिन सांस लेने की क्रिया तुम में आ जाएगी, तुम नहीं मर सकते, फिर समाप्त नहीं हो सकते। समाप्त होने की क्रिया यही है कि तुम्हें सांस पूरा ठेर तक जाता ही नहीं, नाभि धड़कती नहीं, ऊपर तक गले तक सांस आती है, यहां सांस लेते हो यहां तक आती है, बहुत उथला सांस लेते हो, छोटा सांस लेते हो और निकल जाते हो और 4 सीढ़ियां चढ़ते हो, आंखें लग जाते हो। और इसीलिए विश्वामित्र कह रहा है कि नहीं ले सकते वो सांस, इसलिए गुरु स्वयं अपने मंत्रों के माध्यम से अपनी शक्ति के, या तो शक्ति वायु है, प्राणायाम क्रिया है, अगर उस शक्ति के माध्यम से नहीं तो अपनी शक्ति के माध्यम से उसके कुंडलन को जागृत करे, उसके कुंड को जागृत करे। और जब कुंड जागृत हो
जब मूलाधार जागृत हो तो उसके बाद में वो अपने आप में ईड़ा और सुषुम्ना जागृत होगी, ऊपर की ओर अग्रसर होगी। एक क्रिया, और एक क्रिया प्राणायाम के माध्यम से, भस्त्रिका के माध्यम से, जोरों से सांस लेने की क्रिया के माध्यम से, जोरों से सांस छोड़ने की क्रिया के माध्यम से, एक क्रिया वो भी है। मैं इस कुंडलिनी के उस प्रयोग को संपन्न आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आपको मैंने कल बताया था कि तुम्हें अगर अपने जीवन में संपूर्ण ब्रह्मांड, मैंने ब्रह्मांड शब्द इसलिए संसार शब्द प्रयोग नहीं किया, संसार में तो केवल आप और हम ही रहते हैं, पर संसार के अलावा भी कुछ लोक हैं, देवलोक है, पितृलोक है, यमलोक है, वरुण लोक है, और सैकड़ों प्रकार के लोक हैं, मगर आपने देखे ही नहीं, आपने देखे नहीं, तो इसलिए आप कह नहीं सकते कि नहीं है। देखा तो आपने इंग्लैंड भी नहीं है, लंदन देखा नहीं आपने, मगर आप ये नहीं कहते लंदन है ही नहीं, इसलिए कि आप गए नहीं, आपने देखा नहीं, मगर लंदन का अस्तित्व है, पेरिस का अस्तित्व है, न्यूयॉर्क का अस्तित्व है, वाशिंगटन का अस्तित्व तो है, तो शहर तो है, तुम नहीं गए, मैं गया उसलिए मैं कह सकता हूं कि वाशिंगटन ऐसा है, मैं कह सकता हूं कि व्हाइट हाउस ऐसा है, इसलिए तुम भी उस पितृलोक में गए नहीं, तुम उस यमलोक में गए नहीं, तुम देवलोक में गए नहीं, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते है ही नहीं। तुम मेरे साथ चल करके देख सकते हो, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है तुम जाकर अमेरिका देख सकते हो। इसलिए उन ब्रह्मांड और जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनकी साधना करो, जिनके चित्र लगा रखे हैं तुमने सामने, ये इस संसार में तो है नहीं, भूलोक पर तो है नहीं, भूलोक से ऊपर के जो लोक हैं, जिनको हम देवलोक कहते हैं, जिनको हम इंद्रलोक कहते हैं, जिनको हम पितृलोक कहते हैं, जिनको यमलोक कहते हैं, जिनको वरुण लोक कहते हैं, उन अंतरिक्ष में, उन ब्रह्मांड में, उन लोकों में अगर तुम जा सको तो उनके दर्शन कर सकते हो। इसलिए उस मंत्र की रचना, उस मंत्र का ध्यान, उस देवी का ध्यान, उस जगदम्बा को अपने सामने साक्षात करने के लिए अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को जागृत करना पड़ेगा। जब अंदर का ब्रह्मांड जागृत हो जाएगा तो तुम्हारे प्राण अपने आप में उस देह से अलग होते हुए उस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकेंगे, उस ब्रह्मांड का इस ब्रह्मांड से सीधा संबंध जुड़ जाएगा। इस लाइट का और इस माइक का मैं बोल रहा हूं, और ये माइक खत्म हो गया, अब मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे पास आवाज नहीं आ रही, आवाज इसलिए नहीं आ रही कि ये जो बिजली की धारा थी वो यहां से यहां तक पहुंच रही थी, मैंने धारा बीच में तोड़ दी, तुम्हारे पास नहीं पहुंच रही है, और ये धारा जो जोड़ूंगा तुम्हारे पास आवाज पहुंची। जहां पर भी तुम्हारी धारा टूटी, उस ब्रह्मांड से तुम्हारे शरीर के अंदर के ब्रह्मांड की धारा को जोड़ना जरूरी है। ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर में भी है और ब्रह्मांड इस पृथ्वीलोक के ऊपर भी है, इन दोनों का संबंध करना जरूरी है, और ये दोनों का संबंध करने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण क्रिया कहते हैं, ये जरूरी है। और जब कुंडलिनी जागृत नहीं है, वहां देवताओं के दर्शन नहीं हो सकते, 10,000 वर्ष तक मंत्र जाप करने से भी कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए इस शिविर के मध्य में मैंने इस बात को एहसास किया कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, जागृत होनी चाहिए, क्रियमाण होनी चाहिए, क्रियमाण होने के साथ साथ उस ब्रह्मांड का अपने आप में प्रस्फुटन होना चाहिए, उस ब्रह्मांड में ब्रह्म के दर्शन होने चाहिए, अपने आप में तुम नवीन सृष्टि की रचना करने की क्रिया जाने की होनी चाहिए, तुम ध्यान में गहरे उतर सको, अपने आप में पूर्ण रूप से समाधि में लगा सको, उस अखंड आनंद को प्राप्त कर सको जिसको यजुर्वेद के अंत में कहा है कि पूर्ण मदह पूर्ण विदम, जहां कहा है जहां पूर्णता प्राप्त कर सको। अभी तुम्हारा जीवन अधूरा है, अधकचरा है, तुम्हारा जीवन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों से तुम दुखी हो जाते हो और तुम सुखी हो जाते हो। थोड़ा 2 रुपये किस दिन 5 रुपये मिल गए तुम बहुत खुश हो गए, किस दिन 2 रुपये गुम गए तुम बहुत दुखी हो गए। यदि किसी ने दुकानदार पे गए और तुमने 3 रुपये का सामान लिया और 5 रुपये का नोट दिया, 2 रुपये वापस आने चाहिए, उसने भूल से 7 रुपये वापस दे दिए, तो घर आके बहुत खुश हो जाओगे, कहा बहुत आज मूर्ख बन गए, दिए तो 5 रुपये के नोट ही थे, 3 रुपये का सामान भी ले आए और 7 रुपये भी वापस ले आए। तुम्हारा सुख तो इतना छोटा छोटा है, तुम्हारा सुख तो इतना छोटा छोटा कि भोजन कर लें, अपने पैसे जमा कराए नहीं, रसीद काटे ही नहीं, बहुत सुखी है, पता ही नहीं पड़ा, निर्मल को क्या पता पड़ेगा, अपन इतना घूम रहे हैं क्या मालूम पड़ेगा। तुम्हारा सुख और तुम्हारा दुख बहुत क्षणिक है, थोड़ा कांटा चुभ जाए दुखी हो गए, 2 रुपये मिल गए बहुत सुखी हो गए, ये नहीं जीवन के उस मूल उस समय। इसलिए भगवान राम को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया, इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुष उत्तम, पुरुषों में भी उत्तम, नर नर से पुरुष, पुरुष में पुरुषोत्तम, और मैं भी आज जो तुम्हें प्रयोग करवाने जा रहा हूं वह पूर्ण पुरुष और पुरुषोत्तम बनने की क्रिया है। एक मामूली शिष्य नहीं, एक मामूली व्यक्तित्व नहीं, और तुम भी इस चीज को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी क्रिया करने के बाद तुम्हारे शरीर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम्हारे चेहरे से रोशनी फूटने लग जाएगी, ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि तुम
जाके दीवार से टकराओ तो एकदम दीवार गिर जाएगी, ऐसा खोपड़ी तुम्हारी फूटेगी उसमें भी। तुम अगर मैट्रिक फेल हो तब भी तुम्हारा चेहरा शरीर ऐसा का ऐसा है, इंटर पास हो जाओगे तभी शरीर वैसा का वैसा ही रहेगा, बीए पास हो जाओगे तभी तुम्हारा शरीर वैसा का वैसा रहेगा, बंटन रसेल बन जाओगे तभी शरीर ऐसा का ऐसा रहेगा। बंटन रसेल का शरीर कोई बहुत अद्भुत वस्तु नहीं है, और कोई अमेरिका के राष्ट्रपति का शरीर तुम्हारे शरीर से कोई बहुत ऊंचा महान अद्वितीय नहीं है। कृष्ण का शरीर भी वैसा ही था जैसा तुम्हारा है, उसमें अंदर डेप्थ बहुत हो जाएगी, गहराई बहुत हो जाएगी, उस ब्रह्मांड की रचना हो जाएगी। इसलिए उस ब्रह्मांड में तुम्हें एक अखंड आनंद की अनुभूतियां होने लग जाएगी। आज सुबह तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया समझाई होगी और तुम्हें बताया होगा कि बिल्कुल निर्विकल्प बिना हिले डुले जहां बैठेंगे अपने आप अंदर उतरने की क्रिया होगी। और मैं जब प्रयोग करवा रहा हूं तो सुबह मैंने ध्यान प्रयोग इसलिए करवाया था कि तुम्हारा ध्यान लगेगा नहीं, करवाया मैंने जरूर, मैंने कहा था तुम्हें 10 मिनट का ध्यान प्रयोग करवाना, मैंने इसलिए करवाया कि तुम खुद देख सको कि ध्यान नहीं लगा। ध्यान इसलिए नहीं लगा कि तुमने आंख बंद करके बैठे तो सही, ऊपर हवाई जहाज की आवाज आ रही है और तुमने सुनी, यदि पास में कोई व्यक्ति बोला तो तुमने आवाज सुनी, इसका मतलब है कि इस बाह्य संसार से तुम्हारा संबंध था। और मैं जो प्रयोग करवाने जा रहा हूं, इस प्रयोग के बाद अगर वापिस ध्यान लगाओगे तो बाह्य संसार से तुम्हारा संबंध एक तरह से कट जाएगा, पूरे गहराई में उतरते जाओगे वहां तक जहां ब्रह्म का स्थान चैतन्य का। इसलिए मैं यह प्रयोग उपदेश के माध्यम से नहीं कर रहा हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हुआ तुम्हारे उस मूलाधार को जागृत करता हुआ और मूलाधार के कुंड को चैतन्य करता हुआ, और मूलाधार के कुंड को चैतन्य करने का मतलब है समस्त ब्रह्मांड को चैतन्य करता हुआ। अंदर जितना तुम्हारा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड का बिल्कुल एक संबंध स्थापन करता हुआ वह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो पिछले 10 वर्षों में शिविर लगाने पर ग्रस्त जीवन में मैंने कभी संपन्न करवाया नहीं। यह तुम्हारा एक सौभाग्य है और यह मेरे जीवन की विशेषता है कि मैं उस प्रयोग को आपको संपन्न करूं।